आज हम देखेंगे कि घर में अवेलेबल होने वाले दही से मैंगो श्रीखंड या फिर आम्रखंड कैसे बनाते हैं। इसे बनाना काफी आसान है और सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें इसे बनाने के लिए, मैंगो, दही और शक्कर। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप इलायची या फिर केसर श्रीखंड भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे दही। दही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क को बॉईल करने के लिए रखा है। आप नॉर्मल दूध भी यूज कर सकते हो, लेकिन फुल फैट मिल्क यूज करें तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। हमें इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है और बॉईल आने पर 2 से 4 मिनट के लिए और थोड़ा सा गर्म करना है। दूध अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और वेट करेंगे जब तक ये लुकवार्म ना हो जाए। जब ये लुकवार्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून होममेड दही डालेंगे। ध्यान में रखिए, दूध लुकवार्म ही होना चाहिए। अगर ज्यादा गर्म दूध में आप दही डालोगे तो दही वाटरी बनेगा। और दूसरी बात ये है कि जब ये गर्म रहता है हम इसके ऊपर लेड को ढककर नहीं रखेंगे, नहीं तो उसका जो पानी इवेपोरेशन वाला है वो इसमें गिर जाएगा और वाटरी बनेगा। जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाए तभी इसे ढककर रखिए। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हो कि दही बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी और थिक बनी है। अभी समर सीजन चल रहा है तो दही जल्दी से जम जाती है, अदरवाइज 7 to 8 hours लगते हैं इसे बनने में। आप चाहो तो रेडीमेड दही भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोसीजर लंबा लगता हो तो स्पेसिफिकली श्रीखंड बनाने के लिए चक्का या फिर हंकड़ मिलता है मार्केट में, वो भी आप यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि दही से चक्का कैसे बनाना है। एक पतले से कपड़े पर या फिर मसलिन क्लॉथ पर हमें इस दही को ट्रांसफर करना है। इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, जो कोई भी एक्सेसिव पानी का कंटेंट है उसे निकाल लेना है और कोई वजनदार चीज रख कर इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि इसमें से एक्सेसिव पानी का कंटेंट जा चुका है पूरी तरीके से और इसको पनीर टाइप टेक्सचर आया हुआ है। तो देखा आपने चक्का या फिर हंकड़ बनाना कितना आसान है। अब हमें चम्मच, फोक या फिर विस्क की मदद से इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेना है। इसे अच्छे से विस्क करने के बाद आप देख सकते हो कि ये काफी फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें आम्रखंड का कोर इंग्रेडिएंट डालेंगे। 2 आम मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो उसको कितना अच्छा टेक्सचर आया है और इसका कलर भी काफी अमेजिंग है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं, आपके पास काफी स्वीट आम अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट स्टेप स्किप कर सकते हो, शुगर फ्री श्रीखंड का आनंद उठा सकते हो। यहाँ पर मैंने 8 से 10 चम्मच पाउडर शुगर डाला है। जनरली इसमें जितना क्वांटिटी हंकर रहता है उतनी शक्कर डाली जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा मीठा बनता है तो उतनी शक्कर मत डालिए। सच बताइए, आपको देखकर खाने का मन हो रहा है ना? ये सिर्फ देखने में नहीं, ये टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। हम इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहो तो आप इसमें नटमेग पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें थोड़े से मैंगो के पीसेस भी डाले हैं। आपके पास अगर आम ना हो तो आप केसर या फिर इलायची फ्लेवर का भी श्रीखंड बना सकते हो। थोड़े से मैंने फाइनली चॉप ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, टोटली ऑप्शनल है ये भी। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर खाइए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपके पास दही ऑलरेडी बनी हो तो आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में श्रीखंड बना सकते हो। तो देखा आपने घर पे अवेलेबल होने वाले 3 बेसिक इंग्रेडिएंट से कैसे आप कभी भी श्रीखंड बनाकर उसका आनंद उठा सकते हो। तो इस क्विक इजी और मैंगोलिशियस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।